तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ एयर गेमिंग। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग जो अपना रैंक है वो बहुत ही तेज़ी से हीरोइक पे ले जाए। तो आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनमें आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगी कि कैसे आप लोग जो है अपना रैंक को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट कर पाएंगे। तो मैं पर्सनली बताऊँ तो आप लोग अगर वो ट्रिक्स अप्लाई करोगे तो आप लोग कैंपर्स बन जाओगे, ना कि प्रो प्लेयर्स। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग प्रो बनो, तो इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए हाउ टू बी ए प्रो वाला एपिसोड लाने के बारे में सोचा। तो वो सीरीज़ अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो क्या बात हो। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है वो सीरीज़ है वो कंटिन्यू कीजिए, तो आपको वो प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। तो अब प्रत्येक मुद्दे की बात पर आता है। तो अभी ये बात टॉपिक है कि आप लोग हीरोइक पे कैसे जल्दी से जल्दी जाओ। तो हीरोइक जाने में आप कोई भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब से डबल रैंक टोकन आता है तो सभी के सभी हीरोइक पे जाने लगे हैं। तो आप लोग अभी बताओ कि आप लोग हीरोइक जाने में क्या मज़ा है। तो अगर सब बंदे ऐसे ही हीरोइक पे चले जाएंगे तो हीरोइक के जाने में अब कोई मज़ा नहीं। तो मैं यही डाउट था जो क्लियर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्टोरी नहीं एग्जाम्पल सुन देता हूँ। तो एग्जाम्पल में मैं दूंगा कि दो एक स्क्वाड है, आपका एक स्क्वाड है, मान के चलिए आपका एक स्क्वाड है। तो उस स्क्वाड में ऐसे दो बंदे हैं जो बंदे जो है अपना रैंक पुश नहीं कर रहे, बहुत ही ज़्यादा रश खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं यानी रश खेलते हैं, तो वो प्रो है। और दो बंदे ऐसा है जो अपना रैंक को है जो पुश करेंगे। तो एक स्क्वाड में जो कैंपर्स हो गए दो, तो वो तो एक घर में जाकर लूट फूट, तो दो बंदों को मुझे तो नहीं लगता अच्छा कुछ गन भी मिलेगा। तो सिंपली वो एक घर में चुपचाप बैठे रहेंगे, और जो प्रो प्लेयर्स है दो, तो वो तो अपने स्क्वाड को मारते हुए चलेंगे। तो मैं डुओ वर्सेस स्क्वाड तो मैं हम लोग भी खेलते हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो मैंने और लेजेंडरी गेमिंग ने जो है डुओ वर्सेस स्क्वाड बहुत ही खेले हैं, तो उसमें बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही हार्ड है पर मज़ा तो आता है। तो ऐसे ही तो प्रो बनते हैं लोग। अगर आप लोग कैंपर हो तो आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो हर प्रो प्लेयर्स जानते हैं कैंपर्स को कैसे टैकल करते हैं। तो कैंपर्स तो ऐसे ही लूट फूट के कुछ नहीं मिलता उन्हें, लेवल वन का सिर्फ भेष मिल जाता है, अगर लाख हुआ तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो उन्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, सिंपली जो है वो एक घर के कोने में छुपे रहते हैं। और प्रो प्लेयर्स को आइडिया भी होता है कि कैसे वो कैंपर्स को टैकल कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा आप लोग कैंपिंग करके खेलना ही भूल जाइए, आप लोग सिंपल जो है अपना गेम खेलिए, जो एक जने में कुछ नहीं रखा। तो अब तो ये मेरे पर्सनल थॉट्स है। तो अभी मैं आप लोगों को जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप लोग कैसे जो है अपना रैंक को बहुत ही तेज़ी से पुश कर पाएंगे। तो और यूट्यूबर्स की तरह मैं भी बोल देता हूँ, तो आपको डेली बोनस के लिए खेलना पड़ेगा। तो दिन के हर पहले वाले मैच पे तो आप लोगों को जो है डेली मिशन के तौर पर 20 मिलेंगे। तो आपको ये वाला जो डबल रैंक टोकन कार्ड है तो इसे आपको इनेबल करने के दिन के पहले मैच पे खेलना पड़ेगा। तो आप लोग सोलो में जाइए, क्योंकि सोलो में बहुत ही ज़्यादा लक के चांसेस है, और कुछ हार्ड होता है सोलो खेलना, बट फिर भी स्टिल बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैप के सिर्फ एक कॉर्नर पे चले जाना पड़ेगा। तो मैं आपको गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वैसा खेलता नहीं हूँ और मुझे वैसा खेलने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और मुझे हीरोइक जाने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि सभी बंदे जाते हैं। तो अब हीरोइक का कोई ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, तो हीरोइक के बाद जब और कोई लीग आएगा तो तब हम लोग पुश करेंगे। तो अभी पुशिंग में कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि सभी बंदे जो नूबड़े थे तो वो भी हीरोइक पे जाने लगे हैं। तो अब क्या मज़ा, हीरोइक जाने का अब कोई भी वैल्यू नहीं रहा। तो आप टॉपिक पे चलते हैं। तो जो मैप का जो है वो आप कॉर्नर पोजिशन पे लैंड करना पड़ेगा। तो आप लोग फिर से जो है कैंपिंग करना शुरू कर देंगे, और कैंपिंग तो मुझे आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, आप लोग कैसे कैंपिंग करोगे। तो यही था आज के लिए। तो आप लोग तो मैं तो रिकमेंड कर ही रहा हूँ बार बार कि आप लोग जो है कैंपिंग करना भूल जाइए, आप लोग प्रो प्लेयर्स बनने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग भी पहले कैंपिंग करते थे, ऐसा नहीं बोलूँगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कैंपिंग करना बुरा है, कैंपिंग करने से आप लोग जो है प्रो नहीं बन पाओगे। तो हम लोग भी पहले बहुत ही कैंपिंग करते थे, हम लोग तो फैक्ट्री के छत पे उतर कर सर्वाइव करते थे। तो मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार डायमंड तक ही नहीं पहुँच पाता था। तो धीरे धीरे अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम लोग ऐसे ही कैजुअली खेलते हैं रैंक मैच, तो हम लोग वैसे ही रैंक पुश कर लेते हैं। उतरते ही मर जाता है कभी कभी, माइनस भी होता है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ गेम ही तो है। अगर जाना होगा हीरोइक तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप लोग मेरे डबल रैंक टोकन भी देख सकते हैं, मैंने कभी भी यूज़ ही नहीं किया। अगले सीजन में मैंने पहले जो है 9 यूज़ कर लिए, अभी 11 है।
तो अभी देखा जाएगा कि यूज़ करूँगा कि नहीं, तो वैसे तो पड़े हुए ही है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप अगर रैंक पुश करना चाहते हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों के मैं रैंक पुश करने के लिए ज़्यादा कुछ टिप्स नहीं दिया, तो मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग शायद से समझ जाओ कि हीरोइक जन्म में आप कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.